हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स फॉर गीक स्कूल। इस वीडियो में हम अपने कोर्स जो कि है जावा फॉर किड्स, इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड फेज में देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है एंड उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिलेशनशिप अ पेयर ऑफ नंबर शेयर्स, फॉर एग्जांपल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड एक्सेट्रा। तो रिलेशनल ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं। दो वैल्यू है, दो नंबर या कुछ भी हम कहें, जब भी हम कंपेयर करना चाहते हैं हम ये यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इक्वल टू हो गया। तो हम इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, बट आप समझ जाओ कि हम इसको कहाँ यूज़ करना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक वेरिएबल ए है और एक बी है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू कंपेयर करना चाहते हैं तो हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं। तो नंबर वन पे आप देख रहे होंगे डबल इक्वल टू, मतलब इस डबल नाम डबल इक्वल टू नहीं, यहाँ पर दो बार इक्वल टू लिखा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब एक और बात, इसको आप थोड़ा याद रखना कि इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, एंड जब हम सिंगल एक टाइम यूज करते हैं तो इसको हम बोलते हैं असाइनिंग, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते थे ना इंट ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ हम लोग सिंगल इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम असाइन कर रहे हैं। और जब हम डबल इक्वल टू यूज़ करते हैं इसका मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं वैल्यू। तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत मदद करेगा आगे। तो पहला हो गया इक्वल टू, इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ए की वैल्यू बी के इक्वल है कि नहीं है, या सी की वैल्यू 15 के इक्वल है कि नहीं है। फिर सेकेंड आता है नॉट इक्वल टू, तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि ये वैल्यू किसी ए के इक्वल टू है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ये नॉट इक्वल टू यूज़ कर लेते हैं। थर्ड, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मतलब है ग्रेटर देन, तो हम यहाँ ये चेक कर लेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। फोर्थ, लेस देन, हम यहाँ ये चेक कर सकते हैं ए इज़ लेस देन बी। फिफ्थ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ ग्रेटर देन लेस देन। फिफ्थ है ग्रेटर और इक्वल, आप दोनों यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ए की वैल्यू हमने लिख दी 5, तो हम चेक कर रहे हैं कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो अगर ये हम ये लिखते हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4 तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 5 4 से बड़ा तो है ही, ठीक है। 6, इसी तरह 6 है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल। तो इसी तरह हमें चेक करते हैं कि इन दोनों में से कुछ एक क्राइटेरिया तो फॉलो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको थ्योरेटिकली पढ़ाया कि हमारे पास 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, उनका क्या मतलब होता है एंड कैसे यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने IDE प्लेटफॉर्म पे एंड वहाँ पे जाके देखते हैं कि इसको कोड में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हम अपना IDE प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड लिखना। तो जैसा कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ाया था, हम उसी फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे इंट ए इज इक्वल टू, ईजी लेंगे ताकि कैलकुलेशन हो पाए 10 जल्दी जल्दी। इंट बी इज इक्वल टू लेट्स से 15, इंट सी इज इक्वल टू लेट्स से 25। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए इंटीजर टाइप के, ए बी और सी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज़ करना। हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लेते हैं और यहाँ हम कंडीशन देते हैं।
हम सबसे पहले यूज़ करेंगे, मैं यहाँ लिखता रहूँगा हम क्या क्या यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले यूज़ करेंगे इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। तो हम लेते हैं ए इक्वल टू बी, हमने कंडीशन लिखी है इफ ए इज इक्वल टू बी। हम यहाँ पर अपना स्टेटमेंट देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इज इक्वल टू बी, ठीक है। और हम फिर एल्स में दे देंगे एल्स, एक और स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। हम यहाँ पे बस नल लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि अभी हम बस टेस्ट कर रहे हैं कि ये काम करता नहीं करता है। तो मैंने ए की वैल्यू 10 लिखी है और बी की वैल्यू 15 लिखी है, तो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 15, तो ये हमारा आना चाहिए नल आउटपुट में, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम एल्स पार्ट पे एग्जीक्यूट करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ जल्दी से, और हमने यहाँ रन पे क्लिक करा, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। मैं ये सबसे पहली लाइन जो है ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इसको अगर देखे, अगर मैं बी की वैल्यू को भी यहाँ 10 स्टोर कर देता हूँ, ए भी 10 बी भी 10, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा अब ये कंडीशन ट्रू हो गया है क्योंकि ए भी 10 बी भी 10, तो आना चाहिए ए इज़ इक्वल टू बी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी, हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मैं वापस इसको 15 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट करेगा ए इज ग्रेटर देन बी। और हमने यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पे सेकंड में यूज़ करा है ग्रेटर वाला रिलेशन ऑपरेटर। तो देख लीजिए ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, तो इसका आंसर भी नल आएगा। मैं काम करता हूँ, मैं पहले सारे स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, मैं इसी को फिर से कॉपी करता हूँ एक बार, कॉपी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज लेस देन बी। तो हमारा हमने पहले यूज़ करा ग्रेटर देन, सेकेंड यूज़ करा, पहले यूज़ करा इक्वल टू, सेकेंड यूज़ करा ग्रेटर देन, थर्ड यूज़ करा लेस देन, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज लेस देन बी। तो अगर ये सही होगी स्टेटमेंट तो ए इज लेस देन बी आ जाएगा, ठीक है। पहले कंडीशन ये है ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 15, तो ये फॉल्स है, इसमें नल प्रिंट होगा। फिर सेकेंड कंडीशन में हमने लिखा है ए इज लेस देन बी, तो ये स्टेटमेंट सही क्योंकि बी की वैल्यू 15 है, वो ज़्यादा है, तो ए इज लेस देन बी प्रिंट होगा। अब हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला का आंसर नल आया है क्योंकि हमने बताया था कि ए इज़ ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन फॉल्स है। सेकंड में हमारा आएगा ए इज़ लेस देन बी, एंड वही हमारा आउटपुट आया ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग अपने बाकी उसको भी लिख लेते हैं, मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या क्या प्रिंट हो रहा है इतना। फिर हम थर्ड यूज़ करते हैं, फोर्थ हमारा आएगा इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, फिर फोर्थ हम देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो अगर हम लिखें इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हम यहाँ पे कोई नंबर दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू है 10, तो हम यहाँ पे अगर दे दें 9, और लेट्स से अगर 10 ही दे देते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा लिखा आएगा, इसको चेंज कर देता हूँ, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड,
इज फाइट, ठीक है। तो और एक और हम लिख देते हैं कॉपी, और दूसरा हम दे देते हैं मान लीजिए ए इज लेस देन इक्वल टू 10। तो हमने पहले दिया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू 10 है। सेकेंड हमने दिया ए इज लेस देन इक्वल टू 10, हम यहाँ इसको चेंज करके कर देते हैं 11, ठीक है। अब हम रन करते हैं और फिर हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि पहले में हमारा आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरे में भी आ रहा है कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हुआ। ए की वैल्यू हमने 10 रखी थी, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि इसमें इक्वल टू वाला भी लाइन है। तो 10 इज इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई आ गई। अब हम सेकेंड पर आते हैं, ए इज लेस देन इक्वल टू 11, ए की वैल्यू थी 10, तो इसमें जो लेस देन वाला पार्ट है क्राइटेरिया ये हमारा फॉलो हो गया, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर हम इसको 9 कर देते हैं यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन हमारी ये वाली फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें हमारा नल आउटपुट आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि सेकेंड में नल हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और फिर हम चलते हैं अपने, हमारे हमने 5 कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा इक्वल टू, सेकेंड में हमने देखा ग्रेटर, थर्ड में हमने देखा लेस देन, फोर्थ में हमने देखा ग्रेटर देन इक्वल टू, फिफ्थ में हमने देखा लेस देन इक्वल टू, सिक्स में हम देखेंगे नॉट इक्वल टू। तो हम इसके बारे में भी लिख देते हैं, मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये ऊपर आ गई, यहाँ पे आएगा। तो हम मान लेते हैं, लिखते हैं इफ ए नॉट इक्वल टू लेट्स से 11, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ट्रू, और एल्स में हम कंडीशन दे देंगे यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कि क्या हमने लिखा है यहाँ पे, हमने कंडीशन लिखी है, एक मिनट, ए इज नॉट इक्वल टू 11, तो ए की वैल्यू हमारे पास है क्या 10, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 11, तो ये कंडीशन हमारी है सेटिस्फाइड, मतलब ट्रू। तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारा ये वाला लाइन प्रिंट होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं, इसको हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर ट्रू आया है, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 11, अगर हम यहाँ पे इसको 10 कर देते हैं एंड अब रन करेंगे तो ये आएगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, ये आ रहा है फॉल्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। अब हम अपने सेकेंड फेज पर चलते हैं जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम देखेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू आर मोर कंडीशन कंस्ट्रेंट और टू, इसको बंद कर देते हैं, और टू कॉम्प्लीमेंट द इवेल्युएशन ऑफ ओरिजिनल कंडीशन अंडर द कंसिडरेशन। तो मैं आपको बताता हूँ इसके सिंपल वे में कि हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास दो, एक मतलब दो कंडीशंस होती है, दो से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं,
जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशन है, मान लीजिए अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमें अम्ब्रेला लेना है एंड हमारा स्कूल लेट स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी जब कंडीशंस आ जाती है तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे आगे, इसलिए हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। सबसे पहला एंड, एंड ऑपरेटर। इसमें मान लीजिए हमारे पास दो कंडीशन है, तो अगर वो दोनों सेटिस्फाई होंगी तो ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें हमारे पास पहला कंडीशन है कि फीवर है एंड दूसरा कंडीशन है बॉडी पेन है। अगर हमारे पास फीवर भी है एंड बॉडी पेन भी है एंड ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हम अपने रिजल्ट में, जैसे मान लीजिए हम डॉक्टर के पास जाके पैरासीटामोल खाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो हम पैरासीटामोल खाएंगे, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, हम चाहे डॉक्टर के पास ना जाए, ठीक है। तो एंड ऑपरेटर बेसिकली कब काम करता है मैं आपको बताऊँ, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो, जैसे कि स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू, अगर दोनों ट्रू होगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो हमारा आंसर फॉल्स होगा। तो मैं अगर एक टेबल बनाऊँ इसके लिए, एक मिनट, तो अगर मैं एंड ऑपरेटर का अगर टेबल बनाऊँ, जैसे कि लेट्स से स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू और ये आ गया रिजल्ट, तो अगर ये ट्रू है, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, स्टेटमेंट वन ट्रू है, स्टेटमेंट टू फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, स्टेटमेंट वन फॉल्स है, स्टेटमेंट टू ट्रू है तो भी ये फॉल्स होगा, एंड अगर दोनों फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट भी फॉल्स होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एंड ऑपरेटर का टेबल, आप इसे नोट डाउन करके कहीं पे लिख लीजिए, बहुत काम आएगा आपको आगे कोडिंग में। अब हम बात करते हैं सेकंड की, जो कि और ऑपरेटर। और ऑपरेटर मतलब कि दोनों कंडीशन में से, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ मीठा खाने का मन है एंड अगर आपको कहीं से चॉकलेट मिल जाए एंड कहीं से अगर आपको मान लीजिए कॉफ़ी मिल जाए, तो अगर चॉकलेट भी आपको मिल गई जो चॉकलेट मीठा होता है तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर हम इसका आपका टेबल बनाते हैं तो एंड ऑपरेटर का टेबल बनता है, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, स्टेटमेंट वन हो गया, स्टेटमेंट टू हो गया और रिजल्ट हो गया। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है तो भी ट्रू, अगर ये फॉल्स ये ट्रू तो भी ट्रू, बट जब दोनों ही फॉल्स होंगे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो आप समझे कि और ऑपरेटर में एक कंडीशन का ट्रू होना बहुत सही है। जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट अगर 161 से सेंटीमीटर से ऊपर है एंड अगर आपका वेट 50 kg से ऊपर है तो ही मान लीजिए अगर आप आर्मी में सेलेक्ट होते हैं, तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट ऊपर है एंड वेट नहीं है, तो आप तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे अगर आप बाद में अपना वेट के ऊपर काम कर ले तो, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि एक कंडीशन का ट्रू होना इंपॉर्टेंट है और ऑपरेटर में, एंड ऑपरेटर में दोनों का कंडीशन का ट्रू होना इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर, ठीक है, कटेबल। अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि है नॉट ऑपरेटर। इसको हम नेगेशन भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो ये उसको फॉल्स बना के प्रिंट करेगी और कोई फॉल्स है तो उसका ट्रू बना के प्रिंट करेगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने आईडीई पे एंड इसको भी देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम इसी कोड में काम करेंगे एंड मैं लास्ट की कुछ लाइंस डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ से
एंड मैं ये कमेंट आउट भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल है ए बी और सी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले यूज़ करेंगे, मैं फुल स्क्रीन मोड ऑन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है एक कंडीशन, हम पहली कंडीशन दे रहे हैं, मान लीजिए ए इज लेस देन बी। ठीक है, फिर हमने लगाया एंड ऑपरेटर। एंड के लिए आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड में 7 नंबर पे है, आप शिफ्ट प्लस 7 दबाएंगे तो एंड आ जाएगा। एंड दूसरा कंडीशन हमने मान लीजिए दे लिया है बी इज लेट्स से सी इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अंदर अंदर हम लिख देंगे ट्रू फॉल्स, इसको भी अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, तो हमने पहली कंडीशन क्या दी है, ए इज लेस देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 15 है, तो ये कंडीशन होगी ट्रू। फिर हमने सेकंड कंडीशन क्या दी है, सी इज ग्रेटर देन बी, सी की वैल्यू 25, बी की वैल्यू है 15। तो आप बताओ ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, आप वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड के लिए एंड सोचो। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे एंड ऑपरेटर का आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं, रन करा। तो आपने देखा आंसर आया है ट्रू, बट क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो चुकी है। अगर हम इसमें जैसे मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी कर देते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 15, अब अगर हम रन करते हैं तो अब देखिएगा हमारा आउटपुट क्या आएगा। अब आ रहा है फॉल्स। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करेगा। मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर। अब हम सेकंड पे जाते हैं, सेकंड ये है हमारा और ऑपरेटर। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम पहले सबसे पहले एंड ऑपरेटर को चेंज करके ऑप ऑपरेटर लाते हैं। आपको ऑप ऑपरेटर एंटर के ऊपर वाले बटन में दिख जाएगा, आप शिफ्ट दबा के प्रेस कीजिए, आपको वहाँ पर दो डंडे दिख जाएंगे। ठीक है, बैक स्लैश के ऊपर वाले की पे ही होता है ये। तो ऑप ऑपरेटर हमने क्या पढ़ा था, और ऑपरेटर में कि दोनों में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी तो हमारा आंसर ट्रू होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं ये करूँ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन होगी मेरी फॉल्स, एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, जो कि 25 इज़ ग्रेटर देन 15 है, ये कंडीशन होगी ट्रू, तो भी हमारा ये वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं, तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये फॉल्स कब होगा, ये फॉल्स तभी होगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स हैं। तो लेट्स से मैं कह दूँ सी इज लेस देन बी, तो अब ये दोनों कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। अब मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एल्स वाले पार्ट को रन करेगा, जिसका आंसर आएगा फॉल्स। तो ये आ गया फॉल्स। ठीक है, आई होप आप कैच कर पा रहे होंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसे समझा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, मैं रेगुलरली कमेंट सेक्शन वॉच करता हूँ एंड मैं आपका डाउट सॉल्व करने में हेल्प करूँगा। थर्ड आता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इसके वो इसको देखते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि वो रिवर्स कर देता है, अगर एक स्टेटमेंट का आंसर ट्रू है
और हम उसके बाद अगर नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो आंसर हमारा आएगा फॉल्स। ठीक है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड के थ्रू। मैं क्या करता हूँ कि इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको कमेंट आउट कर देता हूँ पहले, क्योंकि और हम यहाँ पे आते हैं। तो पहले हम एक ट्रू स्टेटमेंट लेते हैं, जैसे कि हमारा स्टेटमेंट हो गया ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है मतलब सेटिस्फाइड है तो ये वाला आंसर आएगा आउटपुट में। बट अगर हम इसके आगे एक नेगेट लगा दें है, हमने यहाँ लगा दिया नॉट ऑपरेटर, हमने ये कंडीशन ट्रू थी और हमने इसके आगे लगा दिया अपना नॉट ऑपरेटर, तो ये क्या था, मैं लिखता हूँ ये थी पहले हमारी ट्रू। ठीक है, बट अगर हम ये लिखते हैं ए इज लेस देन बी और बाहर है नॉट ऑपरेटर, तो ये होगी कंडीशन हमारी फॉल्स। जब हमारी इफ की कंडीशन होती है फॉल्स तो हम जाएंगे एल्स पार्ट में, मतलब इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो हम इसको रन करते हैं एंड देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि गीक्स फॉर गीक्स की साइट पे हमने प्रॉपर आर्टिकल लिख रखे हैं हर चीज़ के बारे में, आप वहाँ पर जाके प्रॉपर थ्योरी अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अनकोडिंग के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होते हैं लाइन टू लाइन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू।